गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बरखा गुप्ता, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बेस पता चल जाएगा, क्योंकि इस फंक्शंस में सभी कुछ इंक्लूड है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। जैसे फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा है आपका ऑपरेटिव फंक्शन। तो पहले हम मैनेजरियल फंक्शन देखते हैं। मैनेजरियल फंक्शन जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मैनेजरियल फंक्शन दैट मीन्स दैट काइंड ऑफ फंक्शन जो कि मैनेजर्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर एचआर मैनेजर की बात की जा रही है। एचआर मैनेजर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है और वो जो टास्क परफॉर्म करता है वो आपके मैनेजरियल फंक्शंस में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकंड है ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन दैट मींस कि ऑपरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर वो सारे फंक्शंस आ जाते हैं जो कि आपके टास्क और ड्यूटीज स्पेशली दी जाती है आपके ह्यूमन रिसोर्स को। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो पर्सन काम कर रहे हैं उनकी जो ड्यूटीज और टास्क डिसाइड किए जाते हैं दैट्स कम्स अंडर द ऑपरेटिव। नाउ लेट्स सी फर्स्टली द मैनेजरियल फंक्शंस। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसा मैंने अभी भी बताया था, तो इसमें आ जाएगा आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एंड सेकेंड वन इज ऑपरेटिव फंक्शन। इसमें आ जाएगा आपका प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट फंक्शन, मोटिवेशन एंड कंपनसेशन फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन एंड इमर्जिंग इश्यूज। अब हम इनकी डिटेल्स देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज द मैनेजरियल फंक्शन। इसमें पहला आता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब हो जाता है? प्लानिंग एक कॉमन वर्ड है जो हम सभी अपनी लाइफ में यूज करते हैं। मेरे आज के प्लान ऐसे हैं, मैं आज ये टास्क कंप्लीट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। ये सारे के सारे जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट्स ऑल कम्स अंडर द प्लानिंग। हम अपना पूरा एक दिन तैयार करते हैं कि हमें आज ये काम करना है, तो वो सारा कुछ क्या है? वो प्लान है। इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हमें फ्यूचर में क्या करना है उसे तैयार करना, दैट इज द प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने आज ऑर्गेनाइजेशन खोली है तो कल के लिए कुछ टास्क डिसाइड किए होंगे। उन टास्क को डिसाइड करना कि हमें ये टास्क अचीव करना है, दैट्स कम्स अंडर द प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग टास्क तो डिसाइड हो गए हैं बट उसके लिए वी नीड द रिसोर्सेज। इट कंसर्न विद द प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ पर्सनल एक्टिविटीज। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ह्यूमन रिसोर्स की बात की जा रही है। दैट मीन्स कि वी नीड द ह्यूमन रिसोर्स। तो उन जो भी हमने टास्क डिसाइड किए हैं उन टास्क को करने के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्स। हमें एक स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है जो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई मशीन ऑपरेट करवानी है तो वी नीड द टेक्निकल पर्सन। और अगर मुझे अपने गेट की सुरक्षा के लिए, अपनी कंपनी की सुरक्षा के लिए अगर मुझे किसी पर्सन को रखना है तो दे कम्स अंडर द सिक्योरिटी पर्सन। तो दैट इज, और उसी तरह से जैसे आप भी अपना, मैं बता रही थी कि आप अपनी कुछ प्लानिंग तैयार करके रखते हो, तो आपने अगर अपनी कोई प्लानिंग तैयार की हुई है तो दैट मीन्स कि उसके लिए आपको रिसोर्स रिक्वायर्ड है। अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपकी ये प्लानिंग है, तो यू नीड द गाइड, यू नीड द बुक्स, कॉपी, इंटरनेट, वट एवर द थिंग्स यू रिक्वायर्ड, वो सब कुछ आपके ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। सब कुछ करने के बाद भी एक डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड होती है। इट इन्वॉल्व सुपरविजन एंड गाइडिंग द पर्सन पर्सनल। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलती है तो आप अपने टास्क को अच्छे से कर पाते हो। कोई भी अगर नया पर्सन हमारी कंपनी में रिक्रूट हो रहा है, उसको हमने बता दिया कि भाई आप इस ग्रुप के पार्ट हो, बट वो नया है, ही डोंट नो कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक प्रॉपर अगर उसे गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए, उसको प्रॉपर एक लीड किया जाए कि आप इस तरह से वर्क करोगे तो अच्छा होगा, तो वो उस चीज को जल्दी कवर कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका दैट इज द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, कंट्रोल करना। कंप्राइज मेजरिंग द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, करेक्टिंग नेगेटिव डेविएशन। इट इन्वॉल्व रिव्यू रिपोर्ट, रिकॉर्ड्स एंड पर्सनल प्लान्स।
दैट मीन्स कि यहाँ पर एक तरह की कंट्रोलिंग होती है, एक मेजरिंग पार्ट होता है, जो भी फंक्शंस आप कर रहे हो, एम्प्लॉयज जो भी फंक्शन कर रहे हैं उसमें कोई भी गलती ना हो, उसके लिए एक प्रॉपरली कंट्रोलिंग किया जाता है, एक मेजरिंग किया जाता है, एक प्रॉपर ऑडिट किया जाता है उनके लिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिव फंक्शन. फर्स्ट वन इज प्रोक्योरमेंट. सो प्रोक्योरमेंट में आपका आ जाएगा जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ऑरिएंटेशन. जैसा मैंने अभी आपको बताया ही था कि अगर आपने फंक्शंस पढ़ लिए तो आपको पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेस क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर वो सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिलेबस में आते हैं. तो एक बार बेस क्लियर हो जाएगा तो डिटेल याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी. तो प्रोक्योरमेंट में आपका आ रहा है फर्स्ट वन इज जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस से यहाँ पर मतलब है एक पर्टिकुलर पर्सन की जॉब को एनालाइज करना कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके लिए क्या क्या लाइक हमें रिक्वायरमेंट होगी. एक पर्टिकुलर जॉब को हमने जब एनालाइज कर लिया देन किस टाइप का बंदा हमें चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस उसके अंदर होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को चेक करना जॉब एनालिसिस के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ये भी आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी आपकी आ जाएगी कि आप किस जगह पर कितने पर्सन हमें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को निकालना और उसके बाद एक पूरा प्लान तैयार करना और सही जगह पर सही पर्सन को प्लेस करना, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट वन है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, हम यहाँ पर पर्सन को रिक्रूट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल रेफरेंस के थ्रू पर्सन को रिक्रूट करते हैं. दैट मीन्स अपनी कंपनी में उनको लेकर आना, पर्सन को लेकर आना, दैट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन. सिलेक्शन जो पर्सन हमारी कंपनी में इंटरव्यूज के लिए आए हैं उनमें से बेस्ट को चूज करना, दैट इज द सिलेक्शन. आते तो 10, 12, 15 कितने भी पर्सन आ सकते हैं किसी एक पोजिशन के लिए, बट हमको उसमें से सबसे बेस्ट जो है वो हमको सिलेक्ट करना है, दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस. एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोसेस होती है. रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पर जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हो तो सभी लोगों को हक होता है कि वो उसके लिए अप्लाई कर सकें. ठीक है, जो भी क्वालिफाइड है उस टास्क के लिए वो उसे अप्लाई कर सकता है, तो ये इसलिए ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होगी. सिलेक्शन में क्या होता है, उन सब में से किसी एक को चूज किया जाता है लेकिन बाकी सब जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, उन्हें हम चूज नहीं करते हैं. तो दैट्स वाई इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए रिमेम्बर दिस. नेक्स्ट वन दैट इज द प्लेसमेंट. प्लेसमेंट पर्सन को राइट प्लेस पर प्लेस करना, लाइक उसका सिलेक्शन हो गया फिर उसकी सही पोजिशन उसको दिखाना, उसको सही डिपार्टमेंट उसको बताना, दैट इज द प्लेसमेंट प्रोसेस. इंडक्शन एंड ऑरिएंटेशन. इंडक्शन एंड ऑरिएंटेशन ये वर्ड आपको सुना हुआ भी लग रहा होगा. जब भी आप कभी कॉलेज में एंटर करते हैं तो फर्स्टली एक ऑरिएंटेशन प्रोग्राम होता है. वो ऑरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है कि आपको प्रॉपरली एक तरह से समझाया जाता है कि आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आपकी कंपनी, आपका लाइक आपके जो कॉलेज है वो क्या है, उस कॉलेज में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस कॉलेज को कैसे एस्टेब्लिश किया गया, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाती हैं. दैट इज द इंडक्शन ऑरिएंटेशन प्रोग्राम. जब कोई कंपनी में नया एम्प्लॉय एंटर होता है तो उस कंपनी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस एम्प्लॉय को भी बताई जाती है, एज वेल एज कंपनी के जितने भी सीनियर्स हैं या कंपनी में जितने भी लोग हैं उनको भी उस एम्प्लॉय के बारे में बताया जाता है कि ये हमारे में नया पर्सन इंक्लूड हुआ है. तो दैट इज द इंडक्शन एंड ऑरिएंटेशन प्रोसेस. सेकेंड वन इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में आपकी वो सारे टास्क आ जाते हैं, वो सारे फंक्शंस आ जाते हैं जो कि एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग, एजुकेटिव डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मीन्स किसी भी फंक्शन को करने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है उसको प्रॉपरली ट्रेन करना. कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके अंदर आ रहा है तो उसके अंदर कुछ न्यू स्किल्स एंड नॉलेज को आपको डेवलप करवाना पड़ता है किसी टास्क को कंप्लीट कराने के लिए, तो दैट इज द ट्रेनिंग. सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट. कुछ बिजनेस गेम्स के थ्रू, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू सामने वाले के पोटेंशियल को इन्हेंस किया जाता है. तो वो पोटेंशियल इन्हेंस किया जाता है फ्यूचर परस्पेक्टिव से कि जिससे वो अपने आगे आने वाले करियर को अच्छा बना सके, तो दैट इज द एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन इज करियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग में आपको बताया गया है कि आप
कोई भी पर्सन जब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसका फर्स्ट टारगेट होता है उस कंपनी को ज्वाइन करना, वो जूनियर पोजीशन पर आया हुआ है बट ही नीड या उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं जिन्हें वो अचीव करना चाहता है, तो कंपनी उन्हें पूरा करने में हमेशा मदद करती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये फंक्शन भी है, क्योंकि जब भी जब सामने वाला सेटिस्फाइड होगा, एम्प्लॉय जब सेटिस्फाइड होगा तभी वो आगे का सोच पाएगा। तो दैट इज द करियर प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि कैसे आप एक पर्टिकुलर पर्सन को उसके अंदर पोटेंशियल इन्हेंस करके, स्किल्स एंड नॉलेज को इन्हेंस करके आप उसको डेवलप कर रहे हो कि वो अपने आने वाले सारे अचीव्स को जो अचीव सारे वाले जितने भी गोल्स हैं उन्हें वो अचीव कर सके। दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन एंड कंपनसेशन फंक्शन। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका जॉब डिजाइन, मोटिवेशन, जॉब इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स। मैंने आपको बताया था सारा कि सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी उसके इश्यूज हैं, दे ऑल कम्स अंडर दी फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मोटिवेशन एंड कंपनसेशन फंक्शन ये हमें बताते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है और किस तरह से उनकी कंपनसेशन इश्यूज को हटाया जाए, कंपनसेशन किस तरह से डिसाइड किया जाता है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। फर्स्ट वन दैट इज द जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन का मतलब है यहाँ पर एक किसी पर्सन को अगर आपने कोई जॉब असाइन किया हुआ है, उसको कोई पोजीशन अगर असाइन की हुई है, तो उस पोजीशन पर उस पर्सन के क्या क्या काम है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या उसके टास्क हैं, वो किन चीजों के लिए अकाउंटेबल है, उन सारी चीजों को डिजाइन करना यहाँ पर जॉब डिजाइन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि अगर कोई एक बंदा किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हमने उसे रखा है, तो उस टाइम पर उसकी ड्यूटीज को डिसाइड करना, फॉर एग्जांपल उसको उस मशीन की प्लानिंग तैयार करनी है, उसे उस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है ये बताना है, उसे उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करनी है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिजाइन की जाती हैं, वो दैट्स कम्स अंडर द जॉब डिजाइन। नेक्स्ट वन दैट इज द मोटिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी पर्सन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो ही नीड कि उसे थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिला जाए। चलो मैं तो उस पर्सन की बात भी ना करूं, मैं अगर आप लोगों की ही बात करूं, तो अगर आपको आपके अच्छे काम के लिए अगर एप्रिशिएट किया जाता है, आपके मम्मी पापा अगर आपको एप्रिशिएट करते हैं कि यस आज तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। वो जो खुशी होती है दैट इज द मोटिवेशन। वो मोटिवेशन है कि आपको और काम करने की इच्छा होती है कि यस मैं आज ये अगर इस काम को इतने अच्छे से कर पाया हूँ तो नेक्स्ट डे मैं और अच्छा कर पाऊंगा। सो दैट इज द मोटिवेशन। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करने के लिए एप्रिसिएशन या फिर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी टर्म्स में भी उन्हें लाइक मोटिवेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेंटिव या बोनस प्रोवाइड करवा के, उनको प्रमोशंस देकर या एप्रिशिएशन देके। और दूसरा जो तरीका होता है जो आजकल सभी जगह पर यूज होता है, लाइक परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ या परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर्स का खिताब सामने वाले को देकर आप मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है दैट इज द जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन समझना, जॉब एनालिसिस हमने जो पहले पढ़ा था और जॉब इवेल्युएशन जो पढ़ा था, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जॉब इवेल्युएशन अगर आप इन्हें ब्रेक करेंगे तो आप समझेंगे जॉब दैट मीन्स एक पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर जॉब की बात की जा रही हो, इवेल्युएशन दैट मीन्स उसको कैलकुलेट करना, इवेल्युएट करना। तो यहाँ पर जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि यहाँ हम ये देखते हैं कि किसी पर्सन की जॉब की क्या वैल्यू है, उस जॉब की क्या वर्थ है, जिस पोजीशन वहां पर हम सामने वाले को रख रहे हैं तो उस पोजीशन की क्या वर्थ है, उसके अकॉर्डिंग उसका कंपनसेशन भी डिसाइड किया जाता है। जैसे कि ये लाइक कोई अगर जॉब हम यहाँ पर टास्क रख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके कंपनसेशन कैसे, फॉर द मैनेजरियल पर्सन पर अगर हम किसी को रख रहे हैं तो उसकी टास्क, उसकी ड्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हाई होंगी, तो वो सारी चीज़ें अगर हाई हैं तो उसकी वर्थ ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाएगी, जॉब की वर्थ। तो जॉब की वर्थ जहाँ इन्हेंस हो रही है तो वहाँ पर उसकी कंपनसेशन उस अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। उसी तरह से अगर हम किसी वर्कर को अपने यहाँ रख रहे हैं तो उस वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके रोल्स एंड उसकी जो ड्यूटीज हैं वो जो है उनको कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग उसकी कंपनसेशन को डिसाइड किया जाता है। तो दैट इज द जॉब इवेल्युएशन। जॉब की वर्थ, जॉब की क्या वैल्यू है उसे देखकर उसकी
कंपनसेशन को डिसाइड करना, मतलब उसको कितनी सैलरी उस पोजीशन के लिए डिसाइड होनी है उसको देखना, दैट इज द जॉब इवेल्युएशन. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल ये एक इतनी अच्छी प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है इम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए. परफॉर्मेंस अप्रेजल इम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करके डिसाइड करना उनको अप्राइज करना है या नहीं करना है. दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी क्या करती है, एक टारगेट डिसाइड कर देती है कि मुझे इस ईयर में इतना टास्क मुझे कंप्लीट करना है, या ईयर छोड़ो बहुत आगे की बात हो गई, इस मंथ में मुझे ये टारगेट डिसाइड किया हुआ है और सबको इस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है. सारे एम्प्लॉयज उसके लिए काम करते हैं, कुछ उस टारगेट को अचीव कर जाते हैं, कुछ उस टारगेट से बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ उस टारगेट से नीचे रह जाते हैं. तो जो उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं उनको अप्राइज किया जाता है डिफरेंट थिंग्स के थ्रू, लाइक प्रमोशंस के थ्रू, इंसेंटिव्स के थ्रू, गिफ्ट्स के थ्रू, और जो नहीं कर पाते हैं उनको फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो उन टारगेट्स को अचीव करने के लायक बन जाए. दैट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल. नेक्स्ट है कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन. ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पर आपकी सैलरीज डिसाइड की जाती हैं कि किस पोजीशन के लिए कितनी सैलरी दी जानी है. नेक्स्ट है आपका इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स. ये जैसा मैंने आपको बताया भी था मोटिवेशन का एक तरीका होता है, आपका अगर कोई टास्क एम्प्लॉयज ने कंप्लीट कर दिया है तो उस टास्क के अकॉर्डिंग उसका कुछ इंसेंटिव डिसाइड होता है कि भाई आपको इतना परसेंट उसके प्रॉफिट में से मिलेगा, तो दैट इज द इंसेंटिव्स. और बेनिफिट्स, कई तरह के बेनिफिट्स भी एम्प्लॉयज को मिलते हैं जो कि मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों टर्म्स में हो सकते हैं, तो दे ऑल बेनिफिट्स. नेक्स्ट वन है आपका दैट इज दी मेंटेनेंस फंक्शन. मेंटेनेंस फंक्शन में आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका सब कुछ आ जाएगा, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयज वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स. हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयज की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना. अगर कई बार ऐसी भी मशीनरीज होती हैं जिनमें कुछ लाइक इश्यूज हो सकते हैं, कुछ खतरे हो सकते हैं, तो उन सारे खतरों को ध्यान में रखकर सारा काम करना है ना. अगर कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जहाँ पर हैजार्डस मटेरियल पर वर्क किया जाता है तो किसी एम्प्लॉयज को कोई नुकसान ना पहुंचे उसके लिए उसे पहले से ही वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, ये दैट इज दी हेल्थ एंड सेफ्टी. नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज वेलफेयर. एम्प्लॉयज वेलफेयर से यहाँ पर मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर का भी ध्यान रखता है. दैट मीन्स कि इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल हम दो तरह के फंक्शंस की बात करते हैं, कंपनी के अंदर क्या क्या वेलफेयर्स हैं और कंपनी के बाहर क्या क्या वेलफेयर्स हैं. कंपनी के अंदर पीने का पानी प्रॉपर मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, उन्हें रेस्ट रूम प्रोवाइड होना चाहिए, कभी मेडिकल की जरूरत पड़े तो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए, दैट ऑल थिंग्स. और एक्स्ट्रा म्यूरल दैट मीन्स कि बाहर क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड होना चाहिए, एज वेल एज जो उनको अगर कभी लाइक उनके बच्चों के लिए स्कूल्स हो गए, उनको हाउसिंग प्रोवाइड हो गई, ये सारे के सारे वेलफेयर्स उनको प्रोवाइडेड होना चाहिए. नेक्स्ट वन दैट इज द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स. ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम है कि सोसाइटी को कभी उनकी कंपनी से कोई हैजार्डस ना हो. दैट मीन्स कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ना आए जिसकी वजह से सोसाइटी लाइक मीन कोई भी पर्सन बीमार पड़ रहा है. एज वेल एज इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है कि जो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो सभी के लिए पर्याप्त हो सके, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना, दैट इज़ द सोशल सिक्योरिटी मेजर. नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन फंक्शन. इंटीग्रेशन फंक्शंस आपका आ जाएगा ग्रेवियांस, रिड्रेसल, डिसिप्लिन, टीम्स एंड टीम वर्क, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन. ग्रेवियांस रिड्रेसल दैट मीन्स अगर किसी पर्सन को ये फील हो रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो फीलिंग है आपकी दैट इज द ग्रेवियांस. उस ग्रेवियांस को दूर करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक टीम तैयार करता है, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, तो वो अपने काम को उस बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई ग्रेवियंस रिड्रेसल इज रिक्वायर्ड. सेकेंड इज डिसिप्लिन. कुछ डिसिप्लिन एक्शंस ऑलरेडी बनाए गए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, हर एक एम्प्लॉयज को उसे फॉलो करना जरूरी होता है, दैट्स कम्स अंडर डिसिप्लिन. नेक्स्ट है आपका टीम्स एंड टीम वर्क. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टीम तैयार करती है वो, तो टीम स्प्रिट की फीलिंग क्रिएट करवाना भी उसी का ही काम है. कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी इशू अगर क्रिएट हो रहा है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, या वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, या वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, तो ये वहाँ पर मीडिएटर का काम करेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और उन दोनों के बातों को सुनकर एक
जो सेंटर पॉइंट होगा उसे निकालेगा, जिससे कि वो दोनों ही उस बात पर एग्री हो जाए, दैट इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का यहाँ पर मतलब है जब एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसे कंपनी अपनी तरफ से कुछ परसेंटेज ऑफर करती है, शेयर्स के परसेंटेज ऑफर करती है, जिससे कि वो अपनी लाइक कंपनी का पार्ट बन जाए एम्प्लॉय, और वो ये फील करे कि मेरे भी इसमें शेयर है तो मैं उसके लिए और अच्छा काम कर सकूंगा। तो दैट इज द पार्टिसिपेशन। एंड नेक्स्ट वन इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अपनी जूनियर पोजिशन पर दे रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैनेजर बाहर जा रहा है, आउट ऑफ स्टेशन अगर गया हुआ है, तो वो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अपने जूनियर को देके जाता है। तो जब वो जूनियर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाता है तो जूनियर का काम होता है उन टास्क को परफॉर्म करना। तो उस टाइम पर ये जो प्रोसेस होती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके जा रहे हो अपने जूनियर्स को, दैट इज द एम्पावरमेंट। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली ये होती है कि अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए अकाउंटेबल जो होगा वो पर्सन होगा जो उस पोजिशन पर ऑलरेडी है, मतलब सीनियर वन। नेक्स्ट वन है ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ट्रेड यूनियन को अप्रूव करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम होता है कि कितने कौन कौन पर्सन उसमें इन्वॉल्व है। एम्प्लॉय एसोसिएशन भी एक एम्प्लॉयज का ग्रुप क्रिएट होता है, वो भी अप्रूवमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देता है। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम है। इंडस्ट्रियल रिलेशन दैट मींस कि मैनेजमेंट को अगर कोई बात जूनियर्स तक पहुंचानी है या वर्कर्स तक पहुंचानी है या एम्प्लॉयज तक पहुंचानी है तो उनके बीच में एक प्रॉपर रिलेशन क्रिएट करवाना भी इन्हीं का काम है, दैट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशन। नेक्स्ट वन है इमर्जिंग इश्यूज, दैट्स इसके अंदर आ जाएगा आपका पर्सनल रिकॉर्ड, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रेस एंड काउंसलिंग। पर्सनल रिकॉर्ड यहाँ पर मतलब है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उन सबका पूरा एक रिकॉर्ड जिसमें उसकी आइडेंटिटी प्रूफ होती है, दैट इज कम्स अंडर द पर्सनल रिकॉर्ड। सेकेंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करना कि किस पोजिशन पर कितने लोग हैं और किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्कलोड किसी पर ज़्यादा है या ऐसा तो नहीं है कि कोई फालतू है, तो उन सारी चीज़ों को ऑडिट करना इसका काम है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर वही है कि राइट प्लेस पर राइट पर्सन मौजूद है या नहीं, उन चीज़ों को फोकस करना। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है HRIS के नाम से, जिसमें एम्प्लॉयज़ को एक यूनिक कोड भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज एम्प्लॉयज़ की पूरी डिटेल्स उसमें मौजूद होती है, तो दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्ट्रेस एंड काउंसलिंग, स्ट्रेस एंड काउंसलिंग का मतलब है कि किसी एम्प्लॉयज को कहीं पर स्ट्रेस, आपकी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होती है नेगेटिव स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस पॉजिटिव है तो उसे कोई लाइक कोई इशू ही नहीं है, लाइक आपने किसी टास्क नए टास्क को आपने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे और उसे करोगे। और लेकिन अगर स्ट्रेस नेगेटिव है तो उस टाइम पर एम्प्लॉयज़ क्या करता, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है सामने वाले की बात को समझ के उसे प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करवाता है। कोई भी लाइक स्ट्रेस ऐसे क्रिएट हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स चेंज हुआ तो किसी के लिए तो वो सही है बट किसी के लिए वो सही नहीं है, उसे उससे प्रॉब्लम होने लगती है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसे प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करवाता है और फिर उसे समझाता है कि ये चीज़ क्यों बेटर है। तो दैट इज द स्ट्रेस एंड काउंसलिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपने इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझ लिया तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। जो आपको मैंने अभी तक बताया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, एक बार इनको ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन समझ लिए तो जितने भी आपके आगे के पॉइंट्स हैं, जितने भी आपके एचआर इश्यूज हैं, वो आपके ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।